हमारा सुपर फिफ्टी चलाने के जो संकल्प लिया गया है उसमें अच्छे अच्छे लोग इंजीनियर डॉक्टर वकील के अलावा चार्टेड अकाउंटेंट बलक बलिक उसके अलावा हमारे प्रोटेक्शन में हमारे कवच के रूप में आई एस आई पी एस भी उसके बाद मैं सबसे पहले साहू भवन जो प्रदेश में ढोल लगाड़े जो बजाए जाते हैं जिससे गरीब बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं आज तक तीस साल के इतिहास में एक भी आई एस आई पी एस वहाँ से नहीं बना जिसका कारण है वो गरीबी शैक्षणिक हब हाँ बनाएंगे जिसमें आई एस आई पी एस की तैयारी बीपीएससी की तैयारी बैंकिंग रेलवे की तैयारी और लड़का लड़की का हॉस्टल भी वहां रहेगा बिहार प्रदेश तैलिक साहू समाज का चुनाव होना है और अपार जन जन्स, जनसमूह जो है वो उनका समर्थन जो है भावी उम्मीदवार यूपी गुप्ता को मिल रहा है और अपार जन समर्थन के साथ साथ राजनीतिक गलियारे से भी उनके पास जो समर्थन है वो मिल रहा है सीधे तौर पर हम बात करेंगे जो भावी उम्मीदवार हैं यूपी गुप्ता उनसे सर कैसे देख रहे हैं अपार जन समर्थन जो है आपको मिल मैं पूरे बिहार के राज्य में जितने भी जिला है सभी जगह मैं दौरा कर रहा हूँ वहाँ जाने के बाद उम्मीद से ज़्यादा जन सैलाब मेरे साथ है जो कि सब जनता उग चुका है और वो चाहता है बदलाव बदलाव में हम लोग को जो शिक्षा नीति है हम लोग जो पूरे टीम में जितनी भी हमारी टीम है सब प्रबुद्ध लोग हैं पढ़े लिखे लोग हैं और हमारा सुपर फिफ्टी चलाने के जो संकल्प लिया गया है उसमें अच्छे अच्छे लोग इंजीनियर डॉक्टर वकील के अलावे चार्टेड अकाउंटेंट बलक बलिक उसके अलावे हमारे प्रोटेक्शन में हमारे कवच के रूप में आई एस आई पी एस भी हैं हमारी टीम बड़ा स्वच्छ और निर्भीक है वो कुछ करना चाहता है मैं भी अपना चाहता हूँ कि मैं अपने साहू समाज के इतिहास के पन्ने में मेरे भी दो लाइन अच्छे शब्द में लिखा जाए ताकि आने वाले जनरेशन पीढ़ी उसको अच्छे अक्षरों से पढ़ सके समझ सके यही मेरा संकल्प है जीत के बाद क्या रणनीतियाँ हैं सर क्या करेंगे समाज की जीत के बाद मैं सबसे पहले साहू भवन जो प्रदेश में ढोल नगाड़े जो बजाए जाते हैं जिससे गरीब बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब रहते हैं आज तक 30 साल के इतिहास में एक भी आई एस आई पी एस वहाँ से नहीं बना जिसका कारण है वो गरीबी और ढोर नगाड़ा के बीच में शिक्षण प्रशिक्षण का काम करना इसके वजह से वो डिस्टर्ब रहता है सबसे पहले मैं शादी विवाह का काम वहाँ बंद करेंगे और मैं पूरे शैक्षणिक हब हाँ बनाएंगे जिसमें आई एस आई पी एस की तैयारी बी पी एस सी की, की तैयारी बैंकिंग रेलवे की तैयारी और लड़का लड़की का हॉस्टल भी वहाँ रहेगा इसमें सबसे बड़ा संकल्प मैंने जो लिया है कि मैं सुपर फिट्टी हमारे माननीय लोग बिहार में चला रहे हैं आनंद साहब हैं हमारे अभ्यनंद जी हैं जो चला कर के अपने देश में नहीं विदेशों में नाम कमाया है ये साहु समाज का बेटा संकल्प लिया है कि मैं सुपर फिफ्टी चलाएंगे और वैसे शिक्षाविद आनंद साहब से संपर्क कर अभ्यनंद जी से संपर्क कर वो हमारे कमेटी के सलाहकार होंगे ताकि इसके निर्देश में आगे हम बढ़ें और मैं भी अपने समाज का एक इतिहास रच सके ये मेरा संकल्प है समाज के लोगों से वोट के लिए क्या वोट से अपील यही किया है कि भाई आपसी कोई मतभेद न करें और उनके चार साल के बजाय पाँच साल हमारे पूर्व में जो निर्वृतान अध्यक्ष हैं उनकी कार्यकाल को समीक्षा किया जाए समीक्षा के उपरांत जो अच्छा लगे निर्विरोध निष्पक्ष रूप से उन्हें चुनाव दें आपसी कोई मतभेद न करें यही मेरा अपील है तो ये हैं तेली साहू समाज के अध्यक्ष पद के भावी उम्मीदवार जिन्होंने सीधे कहा है कि हम जब जीत के आएंगे तो सुपर फिफ्टी चलाएंगे जिससे जो हमारे समाज के जो बच्चे बच्चियां हैं वो आगे जाकर देश का नाम रोशन करें आई एस आई बने और देश और अपना भविष्य जो है वो उज्जवल करें सहयोगी दिवाकर के साथ विशाल भरद्वाज एस न्यूज़ पटना